नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कटिया में पार्ट डिज़ाइन में होल कैसे यूज करते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो आपको मिल सके। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक प्लेन सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर स्केच, और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल निकालूंगा। ओके, इसे डायमेंशन दूंगा। होल के लिए एक सॉलिड शेप होना ज़रूरी है, तभी होल एक्टिव होगा। यहाँ पर देखिए डीएक्टिव है, जैसे मैं पैड करूँगा ये एक्टिव हो जाएगा। ओके, मान लीजिए कि मैंने 50 उसकी लेंथ दे दी। ओके, यहाँ पर देखिए एक्टिव हो गया। ओके, ये होल लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैं इस फेस पर मैं क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ से एक होल डेफिनेशन विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर फर्स्ट है एक्सटेंशन। ओके, एक्सटेंशन में यहाँ पर देखिए ब्लाइंड, यहाँ पर होल का डायमीटर कितना है वो आप दे सकते हो, और यहाँ पर होल की डेप्थ। ओके, डेप्थ आप वो भी यहाँ से ही दे सकते हो। ओके, तो यहाँ से और है उसमें ऑप्शन, यहाँ पर एरो है, एरो में क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू सरफेस, अप टू प्लेन, ये सब है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये बॉटम कैसा है, यहाँ पर फ्लैट है। ओके, मैं यहाँ पर मान लीजिए कि 50 देता हूँ डेप्थ, बॉटम फ्लैट है। यहाँ पर मैं यहाँ पर वी बॉटम भी कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए वी बॉटम आप ऊपर से भी देख सकते हो, यहाँ पर वी बॉटम आ गया। ओके, देखिए यहाँ पर आ गया है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर है टाइप, यहाँ पर देखिए अब ये फिलहाल सिंपल है टाइप। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर टेपर्ड है। ठीक है, टेपर्ड का एंगल है, ये एंगल आप यहाँ से दे सकते हो, आपको जितना चाहिए आप दे सकते हो। ओके, और यहाँ पर आप ये देखिए ये बॉटम है, यहाँ पर मैंने टॉप कर लिया। ओके, तो एंगल में थोड़ा सा चेंज हो गया। ओके, तो ऐसा भी आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है काउंटर बोर्ड। ओके, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर काउंटर बोर्ड आ गया होल। ये देखिए हेड का साइज यहाँ पर है, और बाकी जो सिंपल होल है ये यहाँ पर एक्सटेंशन में दिया है। ओके, यहाँ पर डायमीटर 20 है, डेप्थ 30 है, ये टोटल डेप्थ है, और ये डायमीटर ये नीचे का जो होल है उसका डायमीटर है। ओके, यहाँ पर मैंने टाइप में गया, यहाँ पर देखिए मैं उसका हेड साइज का डायमीटर मैंने बढ़ा दिया। ओके, ये हेड का साइज है, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है हेड, ये हेड का साइज यहाँ पर है, उसका उसका डायमीटर और उसकी डेप्थ ये है, ये यहाँ पर है। यहाँ पर आप ये दोनों डायमेंशन दे सकते हो, और एक्सटेंशन में उसका टोटल साइज और नीचे का डायमीटर आप यहाँ से दे सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको वी बॉटम चाहिए या फ्लैट चाहिए ये आप डिसाइड करेंगे। टाइप में अगला देखेंगे हम, यहाँ पर है काउंटर संक। ओके, यहाँ पर देखिए काउंटर संक को एक डेप्थ एंड एंगल है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखिए डेप्थ एंड एंगल यहाँ पर देखिए। ओके, तो यहाँ से हम डेप्थ और डायमीटर भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर दिखाई दे रहा है यही डायमेंशन इधर है, डेप्थ और उसका डायमीटर। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट है एंगल एंड डायमीटर। ओके, आप जो आपको चाहिए वो आपको ड्राइंग में दिया है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है काउंटर ड्रिल, ये काउंटर बोर और काउंटर संक का कॉम्बिनेशन है,
यहाँ पर देख सकते हो आप डायमीटर, डेप्थ एंड एंगल, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। और नीचे का जो है होल साइज़ और टोटल डेप्थ, ये एक्सटेंशन में दिया हुआ है। ओके, आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो हम अगला देखेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर मैं सिंपल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये थ्रेडेड डेफिनेशन है। ओके, यहाँ पर थ्रेड मैं एक्टिवेट करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये थ्रेड एक्टिव हो गया। ओके, ये यहाँ पर दिखाई नहीं देता, खाली यहाँ पर ट्री में। ये देखिए मैं ऑफ़ करता हूँ थ्रेड। ये देखिए ट्री का सिंबल जो होल का है, यो सिंपल एक ही होल है। जैसे ही मैं थ्रेड एक्टिव करता हूँ, यहाँ पर देखिए एक होल के ऊपर एक, ओके, होल के ऊपर एक राउंड आ गया। ओके, ये थ्रेड का सिंबल है, 1/3। और नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए टाइप है, यहाँ पर देखिए मैंने ये डायमेंशन है। ओके, ये डायमेंशन यहाँ पर दिख रहा है आपको, थ्रेड डायमीटर, होल डायमीटर, थ्रेड डेप्थ, होल डेप्थ, पिच कितना है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर है सपोर्ट डेप्थ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। ये देखिए थ्रेड डेप्थ ये टोटल ऑफ हो गया। ओके, सपोर्ट डेप्थ मतलब आप जो देंगे वो इसका सपोर्ट डेप्थ मतलब जितना आप उसका होल का साइज़ है उतना ये लेगा। ओके, तो नेक्स्ट है अप टू प्लेन, यहाँ पर प्लेन होना ज़रूरी है। प्लेन आप सिलेक्ट करके यहाँ पर ये प्लेन पर, ये देखिए बॉटम लिमिट, यहाँ पर आप प्लेन सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पर थ्रेडेड डेफिनेशन। यहाँ पर है टाइप, यहाँ पर देखिए दो टाइप के थ्रेड है। यहाँ पर है मैट्रिक थिन पिच, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। ओके, यहाँ पर देखिए M8 × 1, ओके, M8/1, यहाँ पर मैं, ये देखिए यहाँ पर M10/1। ओके, ये आप यहाँ से आपको जो चाहिए आप ले सकते हो, यहाँ पर स्टैंडर्ड है सब ये। यहाँ पर देखिए पिच यहाँ पर ही डिसाइड होता है, यहाँ पर आपको थ्रेड डेप्थ एंड होल डेप्थ यहाँ पर आपको देनी है कितने तक आपको चाहिए। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट है मैट्रिक थिक पिच। ओके, यहाँ पर देखिए बाय वन नहीं है, यहाँ पर देखिए M10/ नहीं है, आगे खाली यम है, M10, M12, ओके, M14, ये सब है यहाँ पर। आप यहाँ से कोई भी एक चूज कर सकते हो, ये आपका थ्रेड हो गया। ओके, यहाँ पर देखिए राइट थ्रेडेड, लेफ्ट थ्रेडेड, आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया थ्रेडेड डेफिनेशन। और आपको मैं अभी एक ट्रिक बताऊंगा, वो आपको बहुत ही ज़रूरी है। ओके, ये मैं कैंसिल कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मुझे एक होल चाहिए, तो मुझे यहाँ पर एक होल लेना है, यहाँ पर मैं इस लाइन से और इस लाइन से डायमेंशन देना है, तो आप ये डायमेंशन यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ देखिए। ओके, आप यहाँ से डायमेंशन एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, होल लिया, यहाँ पर आपने क्लिक किया, फिर स्केच में जाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से डायमेंशन देना पड़ेगा। ओके, तो आप पहले से ही वो कर सकते हो। वैसा ही सर्कुलर शेप हो आपका कोई, मान लीजिए कि एक सर्कल है। ओके, इसको आप होल देना चाहते हैं इसके सेंटर में, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट किया आपने, यहाँ पर देखिए कोई भी रेफरेंस नहीं लिया, देखिए सेंटर में नहीं आया, वो कहाँ पर भी मूव हो सकता है, पर मुझे सेंटर में ही चाहिए, इसके लिए मैं होल लूँगा। यहाँ पर देखिए ये आर्क पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर क्लिक किया, देखिए ये पूरा सेंटर में आ गया और ग्रीन हो गया। ओके, आप इस तरह भी आपका टाइम बचा सकते हो और फास्ट वर्क कर सकते हो। आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।